नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। दिवाली बहुत ही करीब है और हिंदुओं का बहुत ज़्यादा महापर्व माना जाता है। दिवाली सबके घर में खुशहाली लाती है और इसमें गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मदरहुड क्लब के द्वारा ओल्ड एज होम में दिवाली मिलन समारोह का अपने आप ही करना और इतना बड़ा आयोजन करना अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय बात है। मदरहुड क्लब की अगर मैं बात करूँ, जिसकी फाउंडर हैं एकता सहगल जी, उनके नेतृत्व में लगातार कार्य मदरहुड क्लब हर महीने कुछ ना कुछ करता रहता है। इस बार दिवाली मिलन का समारोह उन्होंने करने की सोचा और नोएडा के अंदर ओल्ड एज होम के अंदर दिवाली मिलन, दिवाली का पर्व मनाना अपने आप में ही बहुत सराहनीय कार्य है। अगर देखा जाए, जितनी भी टीम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मेरे पीछे दिख रही है, सभी मदरहुड क्लब के मेंबर्स हैं। इन सब का योगदान से मदरहुड क्लब जो भी कार्य करता है, लगातार ऐसे कार्य हर महीने एकता सहगल जी के नेतृत्व में और मदरहुड क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनके सहयोग से लगातार ऐसे हर महीने कुछ ना कुछ कार्य होते रहते हैं। दिवाली पर इस वक्त क्रैकर्स ना फोड़िए, यही शुरू से मदरहुड क्लब की भी नींव रही है। और जितना भी हो सके, अगर मैं माय लिटिल ग्रीन्स फाउंडर की बात करूं इला पचौरी जी की, तो प्लांट्स इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं कि उनका यही मोटिव है कि ग्रीन दिवाली सेफ दिवाली, क्योंकि अगर पटाखों से ज़्यादा प्रदूषण भी होगा तो उससे हमें ही नुकसान होगा। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको आने का यहाँ पर तपस्या रिजुविनेशन सेंटर पे। मैम, इतना बड़ा कार्यक्रम और ओल्ड एज होम में आकर सेलिब्रेट करना अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य, जैसे मैंने बताया, ऐसा कैसे सोचा? अभी कुछ दिन पहले एल्डर्स डे था, फिर उससे पहले वर्ल्ड अभी एल्डर अब्यूज डे था, तो ऐसे कई मुद्दों पे हमने बातचीत की इला की मदद से। मुकेश जी, अंजू जी हैं, मिसेस सहगल हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारे बड़े हैं, अगर उनके बारे में लोग जानेंगे, क्योंकि जो हम इनसे सीख सकते हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें इनसे मिलती हैं, वो हमें किसी और से नहीं मिल सकती। तो मेरे हिसाब से दे आर दी पर्ल्स ऑफ आर सोसाइटी। कई बार हम उनको दुख भी देते हैं, लेकिन हम उनसे सीखते हैं। दुख भी इसलिए दे पाते क्योंकि उन्हें हम अपना मानते हैं। तो पूरी टीम ने, यानी कि इला, मैंने और मोनिका ने जब सोचा कि दिवाली कैसी मनाई जाए, ऑनलाइन नहीं करना है, इस बार दिवाली अलग हटके मनाएंगे, जहाँ पे तीनों पीढ़ियाँ इकट्ठे होंगी। तो राहुल राज डांस एकेडमी से बच्चे आए, हम सबके बड़े यहाँ पे हैं, और हम और हमारे मेंबर्स के भी जो पर्ल्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी आज यहाँ पे आए हैं। तो आई थिंक कल, आज और कल, मैंने लास्ट टाइम भी आके जो है करता धरता अखिल जी को कहा था कि कल, आज और कल यहीं आके मिल सकते हैं और कुछ अलग हटके कर सकते हैं। मैम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बुज़ुर्ग तो हमारी जान और हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, और मदरहुड क्लब का धन्यवाद है जिन्होंने यहाँ पे हमें आकर अपने साथ जोड़ा लाके, और बहुत अच्छा लगा, फीलिंग ग्रेट। इला मैम क्या कहना है, जिस तरह से प्लांट्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं, आप लगातार सोशल वर्क में भी जुड़ी हुई हैं, मदरहुड क्लब के लिए उसकी एक मेन मेंबर हैं आप। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसा मतलब जो हमने सोचा वो हम कर पाए, और जैसा एकता ने बोला, कल आज और कल एक छत के नीचे एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स बटोर रहे हैं। हमारा काम क्या है, हम कहीं से भी, मदरहुड क्लब जो है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, इन तीन पिलर्स पे चलता है, और उसमें हम सिर्फ दुआएं बटोरने का काम करते हैं। तो आज भी हम यहाँ से बहुत झोले भर भर के दुआएं और खुशियाँ लेकर जा रहे हैं। क्या किया आज यहाँ पे? आज अंताक्षरी खेली, सबसे मज़ा तो उसमें आया, अंताक्षरी खेली। निधि ने सबके साथ बहुत छेड़खानी की, खूब सबने गाने गाए, डांस किए, अंजू जी ने डांस किया, राहुल के ग्रुप ने डांस किया, राहुल राज के ग्रुप ने, ओवरऑल एन आउटस्टैंडिंग आफ्टरनून, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया कि सब सबको सबके साथ हमने बहुत इंजॉय किया, और ये सारी मेमोरीज हम घर लेके जाएंगे। निधि जी क्या कहना है, मदरहुड क्लब के भी आप एक पार्ट हैं, और आज यहाँ पे जो डांस किया, लोगों को मनोरंजन किया, लोग इतने खुश हुए, ओल्ड एज जो यहाँ पे पीपल्स हैं उनके चेहरे पे खुशी लाना, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। सबसे पहले तो ये ओल्ड एज होम हम इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको सेकंड इनिंग्स होम बोलेंगे, और जितनी जिंदा दिली आज इनके अंदर हमने देखी है वो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। और मदरहुड क्लब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस तरह के कार्य करते हैं, कम्युनिटी को जोड़ते हैं, और हमें भी एक मौका देते हैं कि हम भी अपना बचपना जिए इनके साथ। एंड हैट्स ऑफ टू मदरहुड क्लब फॉर ऑफरिंग सच अ ब्यूटीफुल, यू नो, दिवाली बैश जिसको बोलते हैं। एक्चुअली अब दिवाली शुरू हुई है। थैंक यू सो मच जी। मैम क्या कहना है?
I'm so happy to be here today, and I totally agree with Ila as well as Nidhi what now she said right now, that you know, this is what life is all about. And I was just sitting over here and watching them, you know, and it is a wonderful experience. It's so inspirational. Wonderful afternoon, beautiful to see the people. You know, they're more experienced, they have lot what we don't know. तो बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ टाइम स्पेंड करके, इन्हें नाचते गाते देख के और अच्छा लगा. खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, और जितना बच्चों के साथ आज हमने बांटी, बुज़ुर्गों के साथ आज बांटी, इससे अच्छा तो और कोई तोहफा किसी के लिए हो ही नहीं सकता. बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आने के लिए और एक दूसरे से जुड़ने के लिए. जो कार्यक्रम किया गया उसमें बहुत ही अमेजिंग रहा, वंडरफुल रहा, और जो यहाँ उत्साह मैंने देखा वो लाजवाब है, अविस्मरणीय है, मेमोरेबल है. जैसे कि यहाँ दीवार पे भी लिखा है लव बिगिंस एट होम. आज जैसे निधि जी ने, हमारी मैडम ने कहा कि हम ओल्ड एज होम नहीं कहना चाहिए, इट इज़ अ रियल टेम्पल जहाँ वेयर आवर एल्डर्स आर द गॉड ऑन अर्थ एंड वेयर द लिव इज अ टेम्पल. तो आज जो हमें यहाँ आनंद हुआ, जिस तरह से यहाँ प्रोग्राम किए गए, अंताक्षरी की गई, डांस हुए, छोटे बच्चों ने किए, बड़ों ने, लेडीज़ ने भी जो जिस तरह से जोश आके डांस किया, वो अपने आप में एक एग्जांपल है टू द वर्ल्ड कि किस तरह से हमें जीना चाहिए. और मदरहुड क्लब का ये जो रहा इनिशिएटिव, ये बहुत ही अच्छा रहा और लोगों के लिए एक मिसाल साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है. धन्यवाद. क्या क्या नाम है मदरहुड क्लब के लिए? हैट्स ऑफ टू द मदरहुड क्लब. मदरहुड क्लब से मैं एक जो इन्होंने बोला है कल, आज और कल, देर इज़ नो डाउट इन दिस. कल में मैं हूँ, आज में है मेरी बेटी एकता, इला, ये सब, और कल में आने वाले इनके बच्चे. सो आई वॉन्ट टू लीव दिस लेगेसी विद द अपकमिंग चिल्ड्रन. वी हैव पास्ड ऑन देम एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे आर नाउ पासिंग ऑन नॉट ओनली टू देयर ओन एल्डर्स, to others also. And this is such a wonderful event which they had organized, ki usme sab log apni umar bhul ke stage mein badh ke ek dusre ke sath wo karne ki soch rahe the, wo soch jo itne dino se unke andar dabbi hui thi ki hum kar sakenge ki nahi kar sakenge. Maine bhi waise aaj wahi kara, aur chahe meri peeth dukh rahi thi to mujhe laga tha bhaiya ye karke kahin lene ke dene nahi pad jaye, but I really enjoyed. And I will just say, bless these girls that they keep it up, and we see more and more such events coming up and taking care of all the elders to their hum umar. And इनमें से तो कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी शायद नहीं देखे होंगे, और इनके आने वाले बच्चों ने भी. सो वी रियली प्रे दैट अपने बच्चों को भी यहाँ पे कभी कभी लाएं, उनके आशीर्वाद लें, सो दैट बच्चों को भी पता चले कि बड़े लोगों के आशीर्वाद क्या होते हैं. सो आई रियली से दैट कीप इट अप. थ्री चीयर्स फॉर मदरहुड क्लब. हिप 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 हिप. क्या मैसेज देगा मैम? मैसेज यही रहेगा कि मदरहुड क्लब जिंदाबाद. मदरहुड क्लब के लिए तो तारीफ के शब्द कम पड़ जाते हैं हर बार. एकता, इला, इनसे मैं जुड़ के अपना वाकई जो मैं छूट गया था पीछे कहीं ज़िंदगी की भागदौड़ में, वो फिर से जुड़ गई हूँ. और जो ज़िंदगी की मशाल इन्होंने थामी है और अपनी अगली पीढ़ी को दी है, उसको कायम रखने के लिए, उस रफ्तार को कायम करने के लिए मदरहुड क्लब की वाकई बहुत बहुत शाबाशी है. सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एकता मैम और इला मैम ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है आपके सेंटर पे, तो आप कब से ये चला रहे हैं? देखिए, इस सेंटर को एक साल हो चुका है, और वैसे हम करीब 4 साल से ये सब चला रहे हैं. ओल्ड एज होम हमारे पास हैं, 2 सेंटर्स हैं, तो ये वाला मुझे 1 साल हो गया चलाते हुए. तो ऐसे ही अलग अलग लोग, अच्छे लोग जो बुज़ुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आज की डेट में हमारे पास जितने बुज़ुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए उनके साथ. तो ऐसे ही अच्छे लोग आते हैं हमारे पास, आके टाइम स्पेंड करते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, वही उनके साथ. आज आप भी यहाँ पे थे, तो मदरहुड क्लब के द्वारा जो किया गया उनके लिए क्या कहना है? देखिए मैम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं. एकता मैम से मैं 2 बार मिल चुका हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ काम कर रही हैं. क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज यही रहेगा, मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ आए, मेरे परिवार के साथ खुशियाँ बांटें, अच्छे से गाना गाएं, खासे खाएं पिएं, तो बस एक उनको और जिंदा दिली मिलेगी. मैम, एक सवाल रहेगा कि इस उम्र में लोग माता पिता को निकाल देते हैं, बहुत बड़ा सवाल ये है, और फिर भी सर जैसे लोग ऐसे सेंटर्स को चला रहे हैं, तो मैम उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जिस उम्र में सेवा करने के, उनको बच्चों को सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में वो ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं? वो बहुत ही नकारा लोग हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता है कि वो क्या खो रहे हैं, क्योंकि
कहते ना कि सुई उसी को चुभती है जिसने हाथ में पकड़ी होती है, द वेयरर ऑफ द शू नोज वेयर इट। जब वो आप एक खाली कुर्सी देखते हैं ना, तब आपको महत्व समझ आता है उस इंसान का जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। आज शायद हम लोग बहुत बिजी हैं, काम करते हैं, बहुत समय नहीं स्पेंड कर पाते, बट मेरा एक विश्वास है कि क्वांटिटी के ऊपर है क्वालिटी। क्वालिटी टाइम दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी देना है, सबको काम करना है। हमारे बड़े भी काम करते थे, तो ये एक विशेष सर्कल है। आज वो वहाँ है, कल हम वहाँ होंगे, परसों हमारे बच्चे वहाँ होंगे। तो ये एक जो गाड़ी का पहिया है ना, तो मेरी मदर भी अकेली रहती है, लेकिन हम चाहे पूरा टाइम उनके साथ नहीं होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि हम हों या हमारे बच्चे हों, वो उनके साथ समय बिताएं। तो जो भी लोग अपने पेरेंट्स को घर से बाहर भेज देते हैं, लालत है उन पर, सिर्फ यही कहना चाहूँगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, श्राद्ध का दान मत कीजिए, दो पल मीठे बैल कर उनके साथ अपना समय का दान दीजिए, समय का दान दीजिए। हम क्या कहना चाहेंगे एंड में माय लिटिल ग्रीन्स की तरफ से और मदर क्लब की तरफ से, ऐसे लोग जो सेंटर्स चला रहे हैं और ये जो अपने माता पिता को इस उम्र में छोड़ देते हैं ऐसे सेंटर्स में, उनके लिए मदर क्लब, माय लिटिल ग्रीन्स और जितने भी आपके मेंबर्स हैं किस तरीके से सपोर्ट में आगे भी रहेंगे? मैं जो बुज़ुर्ग हैं उनको पेड़ों से कंपेयर करती हूँ, पौधों से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि वो हमारी नींव, हमारी जड़ें हैं, जो हम आज हैं उनकी वजह से हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, इज़्ज़त ये नहीं है कि रोज़ सुबह शाम पैर छूना है, उनसे सिर्फ प्यार से बात करना, उनकी सलाह को सुनना, मानना ना मानना हम पर है, क्योंकि कई बार उनकी दी हुई सलाह, जिसे कहते हैं जनरेशन गैप जो आ जाता है, उस वजह से हमारी पीढ़ी को या हमारे बाद वाली पीढ़ी को ना सूट करे, लेकिन सुनना ज़रूर है। समय, जैसे अभी एकता बोल रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं दुख जो होता है वो बांटने से आधा हो जाता है और खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो यही चाहती हूँ मैं कि मेरा मैसेज यही है कि सब लोग जो हैं यहाँ पर ऐसी जगहों पर आएं, अपने बुज़ुर्गों के साथ समय गुजारें, उनकी सुनें और उनको कुछ अपनी सुनाएं, क्या पता आपके लिए कोई आगे का रास्ता खुले।